हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे चैनल पर। विपिन, जैसे कि आप मुझे जानते हो, तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी वायरिंग हारनेस से रिलेटेड वीडियोस को बनाने से। जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम अपनी एक वायर्स पर दो वीडियोस बनाई थी, तो उसमें बहुत सारे बंदों ने रिक्वेस्ट करी मुझे कि सर आप टर्मिनल्स पे, क्रिम्पिंग पे आप एक वीडियो बनाइए। तो आज मैंने एक वीडियो इसी पे मैंने अपना प्रेजेंटेशन तैयार किया है। तो इसमें हम बताएंगे आपको कि क्रिम्पिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, टर्मिनल्स क्या होते हैं, मेल फीमेल में क्या होता है, क्या क्रिम्पिंग के डिफेक्ट्स होते हैं। तो आइए चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्रिम्पिंग। तो बेसिकली क्रिम्पिंग होती क्या है? तो क्रिम्पिंग जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम जो हमारी स्ट्रिप्ड वायर है, स्ट्रिप्ड वायर मतलब होता है कि जब हम उसकी वायर की इंसुलेशन को निकाल देते हैं, तो कॉपर के स्ट्रैंड जब हमें दिखने लगते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रिप्ड वायर। तो स्ट्रिप्ड वायर पे टर्मिनल्स को क्रिम्प करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्रिम्पिंग कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि टर्मिनल्स हमारे जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली, फीमेल और मेल टर्मिनल। तो जो हमारा, जैसे कि जो हमारा जो मेल टर्मिनल है, जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर गैप दिया गया है। ठीक है, एक जो ये जो टैब है मेल का, ये मेल का जो टैब है ये फीमेल के इस ये जो गैप है इसके अंदर जाता है, तो ये लॉक होता है, लॉकिंग होल में जाता है ये। तो अगर मैं एक एक नॉर्मल अगर एक टर्मिनल की बात करूं तो उस टर्मिनल में हमारे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो एक हमारा ये वाला पार्ट होता है जिसमें हमारे इंसुलेशन, जो वायर का इंसुलेशन है वो क्रिम्प होता है, उसको स्वैगिंग बोलते हैं और उसको इंसुलेशन बैरल भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एक हमारे कॉपर के जो स्ट्रैंड होते हैं, जो वायर स्ट्रिप्ट होती है उसके कॉपर के जो स्ट्रैंड होते हैं, वहाँ पर जो ये जो पार्ट है वो क्रिम्प होता है, उसको बोलते हैं वायर बैरल। और बाकी का ये हमारा पूरा टर्मिनल है। ठीक है, इसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर लॉक होने का होल है तो लॉकिंग होल आ जाएगा। ठीक है, टैब है, टैब की विड्थ लेंथ भी आ जाएगी, टैब की गाइड भी आ जाएगी। अगर जैसे लॉक करने के अगर कोई स्प्रिंग है तो फीमेल में वो भी आ जाएगा। तो सेम हमारा मेल में भी यही रहता है कि एक इंसुलेशन का बैरल होगा, एक हमारा वायर का बैरल होगा जिसमें हमारे हमारे कॉपर के स्ट्रैंड आके क्रिम्प होते हैं, और एक हमारा लॉकिंग होल होगा। जब ये इसमें जाएगा मेल टर्मिनल, जब फीमेल टर्मिनल के अंदर जब जाएगा, जब उसको हम इंसर्ट करेंगे तो एक लॉकिंग होल होगा, वो जाके उसमें लॉक होगा। इसमें भी सेम टैब होगा। तो इसका जो साइज है वो बेसिकली पूरा डिफाइंड होता है हमारा फीमेल टर्मिनल से, ताकि वो इजीली उसमें इंसर्ट कर सके। तो ये एक कंस्ट्रक्शन हो गई हमारी टर्मिनल के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे क्रिम्पिंग के स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो हम मतलब कैसे पता लगाएं कि एक हमारा जो टर्मिनल है अगर वायर में क्रिम्प हो रखा है तो वो सही है या नहीं है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उनको हम पता लगाएं क्रिम्पिंग के स्टैंडर्ड से, कि क्रिम्पिंग का स्टैंडर्ड क्या बोलता है। तो इसमें जैसे कि ये एक आपका एक टर्मिनल क्रिम्प हो रखा है, ये जो है एक टर्मिनल है, यहाँ तक एक टर्मिनल है, ये आपका वायर है, और यहाँ पर ये जो पोजीशन आपको दिख रही है ये कॉपर कॉपर के स्टैंड दिख रहे हैं जो इंसुलेशन हटाने के बाद है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, यहाँ पर इंसुलेशन पे क्रिम्प हो रखा है, तो इसकी जो हाइट होगी वो मेरी इंसुलेशन की हाइट होगी, इधर वाला जो एरिया जो मेरा कर्सर जो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे जो क्रिम्प हो रखा है वो हो रखा है कॉपर के स्ट्रैंड पे। ठीक है, तो वो मेरी क्रिम्पिंग हाइट होगी। ठीक है, ये इंसुलेशन की क्रिम्प हाइट होगी और ये मेरी कॉपर की क्रिम्पिंग हाइट होगी। ठीक है, इसमें हम विड्थ भी नापते हैं दोनों की, अगर जब हम मेजर करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो, अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो मेरा पहला स्टैंडर्ड मुझे ये बोलता है कि यहाँ से ये जो पोजिशन है, यहाँ से जो कॉपर के स्ट्रैंड हैं वो विजिबल होने चाहिए। अगर मैं उसको बैक साइड से, अगर टर्मिनल के बैक साइड से अगर उसको देख रहा हूँ क्रिम्प होने के बाद में, तो वो विजिबल होने चाहिए 0 से 2 mm तक। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मेरी वायर के जो छिली हुई वायर है, कॉपर के जो स्ट्रैंड हैं, वायर के स्ट्रैंड जो हैं और इंसुलेशन, वो दोनों विजिबल होनी चाहिए मेरी इस एरिया पे, मतलब जहाँ पर मेरी इंसुलेशन पे क्रिम्प हो रखा है और जहाँ मेरा कॉपर स्ट्रैंड पे क्रिम्प हो रखा है, उसके बीच में जो गैप है उनमें मुझे वायर का स्ट्रैंड और इंसुलेशन दोनों दिखने चाहिए। एक क्रिम्पिंग स्टैंडर्ड होता है ये मेरा जो है इंसुलेशन क्रिम्पिंग, इसी को ये जो है
ये एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिखाया गया है कि कैसे इंसुलेशन पे क्रिम्प हो रखा है। ये मेरे कॉपर के स्ट्रैंड हैं जो मेरे वायर के होंगे, और ये मेरा ग्रीन जो है वो पूरा आपका ये शो करता है कि ये इंसुलेशन पे क्रिम्प हो रखा है। ठीक है, अब ये जो एक पूरा जो टर्मिनल है, ठीक है, इस टर्मिनल पे, अब टर्मिनल होता क्या है, चेन में होता है। जब एप्लीकेटर पे हम उसको लगाते हैं तो वो चेन में होता है, ठीक है, तो उसकी एक पिच लेंथ भी होती है, तो उसके जो पिच लेंथ होती है उसी हिसाब से वो हमारा टर्मिनल जो क्रिम्प हो जाता है तो वो टूटता जाता है, एक एक वायर पर लग के वो टूटता जाता है। तो उसकी ऑब्वियसली जब वो एक पिच लेंथ होगी तो कुछ पार्ट ऐसा भी होगा जो एक्स्ट्रा होगा, जो जब क्रिम्प हो जाता होगा तो एक्स्ट्रा वो निकल के, वो एक्स्ट्रा मतलब आई मीन कि स्क्रैप होता होगा वो, तो जो पार्ट वो स्क्रैप होता है, तो यहाँ पे ना 0.5 mm का कट, जो जिसको हम कट ऑफ टैब बोलते हैं, वो भी विजिबल होना चाहिए। ये क्रिम्पिंग का स्टैंडर्ड है। और बेल माउथ भी विजिबल होना चाहिए, जो कि 0.5 से 0.65 mm तक विजिबल होना चाहिए। बेल माउथ बोलते हैं इसको, जो मेरा कर्सर मूव कर रहा है यहाँ पर, इसको बेल माउथ बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जो हमारा वायर का इंसुलेशन है, ठीक है, वो इंसुलेशन बैरल में दिखना चाहिए, वो उसके दिखना चाहिए और इनसाइड में होना चाहिए वो, ठीक है, और बेल माउथ तो दिखना ही चाहिए। और ये भी एक आपका एक ये भी एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है कि वायर का स्ट्रैंड जो है वो क्रिम्पिंग होने के बाद में कैसा दिखता है। ठीक है, तो हमने अब क्रिम्पिंग के स्टैंडर्ड देख लिए। इसके बाद में हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्रिम्पिंग करते टाइम कौन कौन से डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारे डिफेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक डिफेक्ट देख रहे हैं जिसमें है डिफॉर्मिंग ऑफ द टर्मिनल। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग का मतलब हो गया कि टर्मिनल टूट गया, मतलब टूट गया या डैमेज हो गया। तो उस केस में इसके क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, अगर मेरा टर्मिनल ही डिफॉर्म हो रहा है, इसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कि टूलिंग ही टाइट चल रही है, ठीक है, और जो मेरा टर्मिनल है वो जब उसको फीड कर रहा है, आगे जब फीड हो रहा है एप्लीकेटर में, तो वो एक करेक्ट पोजीशन पे फीड नहीं हो रहा है। फीड मतलब आगे बढ़ना, तो वो जब करेक्ट पोजीशन पे फीड नहीं होगा तो ये एक गलत जगह से काटेगा, गलत जगह से इनको, जैसे कि यहाँ पे इंसुलेशन पे और कॉपर पे, इसको जब मोड़ेगा, जब टर्मिनल को क्रिम्प करेगा, तो वो एक राइट पोजीशन पे नहीं आएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा टर्मिनल जो है वो डिफॉर्म हो सकता है किसी भी पोजिशन से, किसी भी जगह से। इसके बाद में देखते हैं अगला डिफेक्ट कि टर्मिनल ही कट गया एप्लीकेटर से जब क्रिम्प कर रहे हैं, तो टर्मिनल कट बाई एप्लीकेटर वाइल क्रिम्पिंग। तो ये भी आपका सेम इसी वजह से हो सकता है, या तो टाइट टूलिंग चल रही हो, या फिर आपने एप्लीकेटर ही दूसरा लगा दिया। बेसिकली क्या होता है कि एक टर्मिनल की लेंथ होती है, अगर जो जो स्पेसिफाइड एप्लीकेटर है उसके लिए, अगर आप उसके जो ब्लेड है, कटिंग ब्लेड जिसको हम बोलते हैं, कटिंग ब्लेड अगर आप कुछ और लगा देंगे, और लेंथ का लगा देंगे, तो वो ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा। तो जब वो छोटा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, टर्मिनल को काट देगा, तो आपका टर्मिनल भी कट हो सकता है एप्लीकेटर से जब आप उसको क्रिम करोगे। तो इसके भी यही पॉसिबल रीजन है, ब्लेड का हो सकता है, या फिर आप टर्मिनल जो है आपका वो राइट राइट पोजिशन में फीड नहीं हो रहा है, और टाइट टूलिंग भी हो सकता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारे जो हमारा डिफेक्ट है लो कोर। लो कोर का मतलब, जैसे कि कोर मतलब जो कॉपर के स्ट्रैंड है, और लो मतलब कम कॉपर के स्ट्रैंड, तो लो कोर ऑफ क्रिम्पिंग। जैसे कि इस पिक्चर में देखो, यहाँ पर कोई कॉपर का स्ट्रैंड नहीं दिख रहा। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जब जो स्टैंडर्ड ही मेरा ये है कि यहाँ पे मुझे कॉपर के स्ट्रैंड दिखने चाहिए, यहाँ पर जैसे कि ये दोनों फोटो एक ही हैं, यहाँ पर दिखने चाहिए, बट वो दिख नहीं रहे, तो ये क्या हो गया, लो कोर हो गया। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक्सट्रूडेड वायर जो है, वायर बैरल में, वायर बैरल जो है ये वाला, इसमें दिख ही नहीं रहा है, नॉट लॉन्ग इनफ, मतलब दिख ही नहीं रहा है, इतना बड़ा नहीं है वो। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं, इसके रीजन हो सकते हैं हमारे कि जो वायर की सेटिंग है वो इनकरेक्ट हो, तो ऐसा हो सकता है, या फिर मेरी वायर श्रिंक हो जाए, मतलब वायर श्रिंक हो गई, मतलब वो छोटी रह गई, मतलब वो पीछे की साइड ही रह गई, तो इस केस में मेरा जो कॉपर के स्टैंड है वो विजिबल नहीं होंगे, लो कोर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। अब जैसे इसमें ये लो कोर है, अब एक हो गया हाई कोर, इसमें भी वही सेम चीज़ है। इसमें क्या होगा कि जो कॉपर के स्टैंड है वो बहुत ज़्यादा दिखेंगे,
हाई कोर हो गया, तो इसको हम दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं कि एक्सट्रूडेड जो वायर्स हैं वो वायर बैरल में क्या है कि बहुत ज़्यादा लंबे हो गए, आगे की साइड बढ़ गए। जैसे देखो यहाँ पे ये यहाँ तक होने चाहिए थे बट ये बहुत आगे तक आ गए, तो ये भी एक डिफेक्ट है। तो ये भी एक डिफेक्ट किस वजह से हो सकता है कि आपकी जो वायर है वो वायर की जो सेटिंग हो रखी है वो इनकरेक्ट हो रखी है, या फिर आपकी वायर श्रिंक हो रही है, या फिर आगे की साइड बढ़ रही है। तो ये एक पॉसिबल रीजन हो सकते हैं हाई कोर क्रिम्पिंग के। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ जो है हाई इंसुलेशन क्रिम्पिंग। हाई इंसुलेशन क्रिम्पिंग का मतलब क्या हो गया कि आपका जो ये जो इंसुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे होना क्या चाहिए, जैसे कि आपका यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे आपके वायर विजिबल होना चाहिए, कॉपर के स्ट्रैंड विजिबल होने चाहिए, बट यहाँ पे दोनों विजिबल होने चाहिए, कॉपर के स्ट्रैंड भी और आपका इंसुलेशन भी। बट अगर आप देखो रहे हो पिक्चर में, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे क्या है, कॉपर तो दिख ही नहीं रहा है, तो आपको केवल इंसुलेशन इंसुलेशन दिख रहा है। तो ये हाई इंसुलेशन क्रिम्पिंग होगी, मतलब आपकी जो क्रिम्पिंग है वो पूरी इंसुलेशन पे हो गई है। ठीक है, तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं, इसके रीजन हमारे हो सकते हैं कि जैसे जो स्ट्रिप की लेंथ है वो ज्यादा है, या फिर हम इनकरेक्ट वायर रख रहे हैं अपने एप्लीकेटर पे, तो ये एक पॉसिबल रीजन हो सकते हैं हाई इंसुलेशन क्रिम्पिंग के। अब जस्ट इसका उल्टा हो गया कि लो इंसुलेशन क्रिम्पिंग, मतलब आपका जो यहाँ पे दोनों चीज जो दिखनी चाहिए थी बेल माउंट से इधर, अब इसमें आपको केवल कॉपर कॉपर दिख रहा है, इंसुलेशन दिख ही नहीं रहा है, मतलब इंसुलेशन पे जो क्रिम्प हुई है वो बहुत ही कम कम हुई है। ठीक है, तो वायर की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी, तो ये लो इंसुलेशन क्रिम्पिंग है। इसके भी पॉसिबल रीजन यही सेम हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ, क्रिम्पिंग हाइट। क्रिम्पिंग हाइट बेसिकली जब मैंने बताया था आपको दो हाइट उसमें होती है, एक हमारी क्रिम्पिंग हाइट होती है और एक हमारी इंसुलेशन हाइट होती है। तो जैसे इस फोटो में देखो, ये जो है यहाँ पर जब हमारा दोनों चीज दिखनी होती है, कॉपर भी और आपका इंसुलेशन भी, तो जो यहाँ पे जो क्रिम्प हो रहा है, ठीक है, ये मेरा होता है इंसुलेशन इंसुलेशन हाइट, और यहाँ पे केवल कॉपर स्टैंड पे जो होता है उसको बोलते हैं क्रिम्पिंग हाइट। तो ये भी एक डिफेक्ट है कि क्रिम्पिंग हाइट जो अगर मान लो मेरी जैसे कि 1.6 है और उसका टॉलरेंस है 0.01 है प्लस माइनस में, और वो या तो कम आ रही है या वो ज़्यादा आ रही है, तो वो लो कोर और हाई कोर की वजह से ही होगा। ठीक है, तो ये क्रिम्प हाइट मेरी हाई और लो हो सकती है। और मैं अगर दूसरे डिफेक्ट की बात करूँ तो इंसुलेशन हाइट भी मेरी ज़्यादा और कम हो सकती है, ये भी आपका डिपेंड करेगा कि आप मतलब टॉलरेंस से बाहर जा रही है, तो ये भी आपका डिपेंड करेगा कि हाई कोर में जा रहा है या लो कोर में जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही केस इसमें भी आपके फुलफिल करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ जिसमें रॉन्ग टर्मिनल क्रिम्प्ड। तो रॉन्ग टर्मिनल क्रिम्प्ड हो गया, इसका क्या मतलब है कि आपने जो जो बंच है, जो रोल है, वो टर्मिनली गलत ले लिया और आपने वो क्रिम्प कर दिए, तो इस केस में आपके रॉन्ग टर्मिनल क्रिम्प होने की पॉसिबिलिटी हाई होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ जिसमें कि टर्मिनल बेंड हो गया जब आप क्रिम्प कर रहे हो, या तो वो हो गया आपका नीचे की साइड आप में हो गया, या वो ऊपर की साइड डाउन अप और डाउन में, दोनों साइड में वो कहीं पे भी आपका टर्मिनल बेंड हो गया, तो उस केस में आपका क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। इस केस में आपके पॉसिबल रीजन हो सकता है कि जो आपकी क्रिम्पिंग की हाइट है, ठीक है, जो ये जो क्रिम्पिंग की हाइट है ये अगर कम है, ये अगर कम है, तो जो आपके कटिंग ब्लेड हैं, कटिंग ब्लेड बेसिकली कटिंग ब्लेड आपके यहाँ भी काम करता है इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे भी, और इस पोजीशन पे जो ब्लेड होते हैं वो जस्ट क्रिम्प करने वाले ब्लेड होते हैं, ऊपर से भी फोर्स होता है, नीचे वो ब्लेड लगे होते हैं और ये इसको क्रिम्प करता है। तो अगर उनकी क्रिम्पिंग की हाइट अगर कम है, ज़्यादा कम है, तो इस केस में आपके ये बैंड बैंड होने के बहुत पॉसिबल चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर आपने जो जो टूलिंग कर रखी है, जो एप्लीकेटर लगा रखा है, उसकी एडजस्टमेंट जो है वो ठीक नहीं की हुई है, मतलब जितनी वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए, जितनी उसकी पोजीशन जो डिसाइडेड है, अगर आप उससे थोड़ा सा डेविएट कर रहे हैं तो उस केस में आपका टर्मिनल बेंड हो सकता है क्रिम्प करते टाइम। अब चलते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ जिसमें है कि डैमेज हो गया आपका क्रिम्पिंग। ये क्रिम्पिंग जो है वो पीछे से और आगे से दोनों साइड से आपका डैमेज हो गया, तो ये डैमेज होने के क्या रीजन हो सकते हैं, या तो आपका जो ब्लेड है
जो आपका जो ब्लेड है जो क्रिम्प कर रहा है इनको, या तो वो डैमेज हो, अगर वो आपका ऊपर से डैमेज है और नीचे से डैमेज है, तो अप एंड डाउन में आपका ये क्रिम्पिंग जो है यहाँ की, ये डैमेज होने के पूरे रीजन है। या फिर आप रिवर्क कर रहे हो, आप रिक्रिम्प कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में भी आपके ये जो ब्लेड है रिक्रिम्प करने में, रिक्रिम्पिंग करने पे भी आपके ब्लेड डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो टर्मिनल है उसकी गलत फीडिंग कर रहे हो, अगर उसकी गलत फीडिंग कर रहे हो तो उसके ब्लेड के डैमेज होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ, जिसका नाम है कि लॉन्ग कट ऑफ ऑफ टैब। मतलब क्या हो गया कि ये जो पिच लेंथ होती है, ठीक है, तो पिच लेंथ से मैंने बताया था कि 0.5 इधर और 0.5 इधर ये होना चाहिए, इतना हुआ है तो ठीक है। अगर ये ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, फ्रंट में, फ्रंट मतलब टॉप में और रियर मतलब बैक में, अगर ये ज़्यादा आ रहा है आपका ये टैब की जो ये वाली जो लेंथ है ये अगर ज़्यादा आ रही है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसके भी मतलब बहुत बेसिक सा रीज़न है कि या तो आपने अपना एडजस्टमेंट ठीक नहीं किया है, जो आपका कटिंग ब्लेड है, जब आप एप्लीकेटर पे जो आपका कटिंग ब्लेड है उसकी जो जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर नहीं हो रखी है, इनकरेक्ट फीडिंग अगर आप अगर टर्मिनल की हो रही है, तो उस केस में आपके ये कटिंग बर या फिर आपको इसको ऑफ टैब भी बोल सकते हो, ये ज़्यादा आ रहा है 0.5 से, तो ये भी एक क्रिम्पिंग का डिफेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डिफेक्ट पर चलते हैं हम। अब इसमें है कि अगर ये भी एक डिफेक्ट है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेरी जैसे कि 16-32 की वायर है, इसमें क्या है कि नंबर ऑफ कॉपर स्टैंड जो मेरे हैं वो 16 है और 0.32 का उसकी डायमीटर है एक कॉपर स्टैंड का। तो अगर मान लो कि जैसे कि 16 में से 10 तो आपके क्रिम्प हो गए और आपके 6 बाहर निकल गए, तो इस केस में ये आपका डिफेक्ट का नाम होगा पार्शियल ऑफ वायर नॉट क्रिम्प्ड इन टू द वायर बैरल। ये आपका जो वायर बैरल है ये आपके 16 के 16 वायर इसमें नहीं गए, आपके 10 इसमें क्रिम्प हो गए और 6 आपके बाहर रह गए, तो ये एक डिफेक्ट हो जाएगा। ये कौन, ये कैसे हो सकता है? ये तो सिंपल है कि जो आपका ऑपरेटर है वो आपका सही से काम नहीं कर रहा, केयरलेस ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, उस केस में आपका ये पॉसिबल हो सकता है। या फिर आपकी जो वायर है, ठीक है, स्ट्रिप होने के बाद में फ्लेयर, फ्लेयर मतलब खुल रही है, जैसे कि जब हम स्ट्रिप करते हैं इसको, तो होना क्या चाहिए कि हमारे जो जो कॉपर के स्टैंड है वो आपस में एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए। मान लो कि वो अलग अलग हैं, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा जगह में फैल गए, स्प्रेड हो गए, तो उस केस में भी आपका ये पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि आपके मतलब 10 वायर, तो आपके 10 या 12 जो भी हैं वो आपके क्रिम्प हो गए और बाकी के क्रिम्प नहीं हुए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ। अब ये है कि जो फ्रंट का है आपका टर्मिनल, फ्रंट का वो टर्मिनल आपका डिफॉर्म हो गया, जैसे कि ये पिचक गया, ये दब गया, ये अगर आप देखोगे इसको ये दब गया, ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है या तो आपको जो टर्मिनल का जो रोल है, मानो वही स्क्वीज्ड टर्मिनल उसमें लगा हुआ हो पहले से, आप मतलब आपको रोल भी देखना पड़ेगा कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वो रोल ही खराब हो, स्क्वीज टर्मिनल आ रहा हो, ठीक है, आपका एक चेन में, तो उस वजह से भी हो सकता है। या फिर मानो कि जितना ऊपर से फोर्स लगना है, जितना लोड हमें देना है क्रिम्पिंग के टाइम पे, तो एक्चुअली मटेरियल भी होता है इसका, एक शीट थिकनेस भी होती है, तो शीट थिकनेस जैसे मानो कि 0.7 की है और ये आपकी टर्मिनल की शीट थिकनेस अगर आप एक्चुअल में देख रहे हो तो 0.4 आ रही है, तो 0.3 तो उसका जो जो लोड लेने की कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी, तो मतलब आपको जो रॉ मटेरियल है वो अनअसेप्टेबल है, तो ये उस केस में आपका ये पॉसिबल रीजन हो सकता है कि आपका टर्मिनल फ्रंट से डिफॉर्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें क्या है कि लॉक लेंसेज डिफॉर्म, मतलब कि जैसे अगर ये मेरा मेल का है, ठीक है, उसमें अगर लॉक है तो वो लॉक के जो लेंसेस हैं, मतलब जो 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 लॉकिंग के मतलब जैसे होल में जाके जब लॉक लगता है वो डिफॉर्म हो रहा है, तो इसके भी क्या रीजन हो सकते हैं? कि ये बेसिकली हो सकता है आपका कि जो स्लॉट है ये कटा हुआ, अगर यही रोल में अगर आपका डैमेज भी है, ये भी हो सकता है एक रीजन इसका, या फिर आपका रॉ मटेरियल में कुछ ना कुछ ये शीट थिकनेस में कुछ गड़बड़ी की हुई है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ, क्रिम्पिंग का बर। ये अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये बर आ रहा है, तो ये बेसिकली कब आएगा, ये आपका क्रिम्पिंग का बर कब आएगा? या तो आपकी क्रिम्पिंग की हाइट बहुत कम हो,
ठीक है, या फिर आपके जो जो क्रिम्प कर रहा है ब्लेड, जो ब्लेड होते हैं कटिंग ब्लेड इधर है हमारे, क्रिम्प ब्लेड इधर है, इंसुलेशन क्रिम्प करने वाले ब्लेड इधर है, तो या तो वो डैमेज हो, तो उस केस में पूरे चांस हैं कि आपका क्रिम्पिंग का बर आएगा यहाँ पर, अगर आपके ब्लेड डैमेज है तो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ, जिसमें है कि आपकी जो वाटर प्रूफ की जो सील है, वाटर प्रूफ क्या है, 2 रिंग की है, 3 रिंग की है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी लगा रहे हो। या तो वो सील ब्रोकन हो गई, मतलब वो सील ही टूट गई, या आप वो रॉन्ग डायरेक्शन में आपका क्रिम्प हो गया, तो ये दोनों डिफेक्ट पॉसिबल हैं, ये दोनों डिफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो सकता है कि आपकी जो क्रिम्पिंग की हाइट है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइट है, तो उस केस में आपकी सील ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा टाइट है तो वो रॉन्ग डायरेक्शन, वो मूव भी कर सकती है अपनी पोजिशन से, वो रोटेशनरी मोशन करके वो मूव भी कर सकती है, और वो रॉन्ग डायरेक्शन में आपकी क्रिम्प हो सकता है। ठीक है, या आपका ब्लेड ही डैमेज हो, तो उस केस में ये सील को भी तोड़ेगा, इधर से टर्मिनल को भी तोड़ेगा, और थोड़ा बहुत अगर ब्लेड डैमेज है तो वो थोड़ा डायरेक्शन को भी मूव कर सकता है। ठीक है, और ये भी पॉसिबल है कि आपकी जो सील है, जो वाटरप्रूफ की जो सील है रबड़ की, वो ही मटेरियल ही में ही कुछ गड़बड़ी हो, वो इतना लोड ही नहीं ले पा रहा हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ, जो है कि नो बेल माउथ। बेल माउथ मैंने बताया था, ये पूरा एक जो है, ये पूरा बेल माउथ होता है, यहाँ पे मेरे कॉपर का स्टैंड दिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बेल माउथ ही नहीं है, तो उसका सिंपल सा एक ही है कि क्या क्या रीज़न हो सकता है, उसका सिंपल सा रीज़न है कि जो टर्मिनल की जो पोजीशन है, ठीक है, वो आपकी इनकरेक्ट है, इसकी वजह से आपका बेल माउथ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कुछ डिफेक्ट थे, तो टर्मिनल के बारे में बस इतना ही। अगर आपका कोई कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है टर्मिनल से रिलेटेड, क्रिम्पिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपका कोई जो भी क्वेश्चन है आप मुझे उसमें लिख दीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा उसमें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी, तो स्टे ट्यून, थैंक यू।